हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिलीप कुमार, डीके एचडी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। क्लास टेंथ की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, उसको स्टार्ट किए थे। चैप्टर नंबर सेकंड, अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, उसके हम लोग रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। अम्ल तथा क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। अम्ल की क्रिया धातु के साथ, अम्ल की क्रिया धातु के साथ क्या होता है। अम्ल की क्रिया जब धातु के साथ कराते हैं, अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आइए देखते हैं। HCl प्लस ZN, ये है अम्ल, ये है धातु। क्रिया करा रहे हैं, क्या बनेगा? लवण ZnCl2। क्या मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस H2। देख लेते हैं, अम्ल प्लस धातु गिब्स, लवण प्लस हाइड्रोजन इससे अब आपको कंफर्म हो गया कि अब हम अम्ल की क्रिया धातु के साथ करा रहे तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। फिर आप अगला देख लेते हैं। H2SO4, ये क्या है? अम्ल है। प्लस ZN गिव्स ZnSO4 प्लस H2। अब आप कहेंगे हमेशा ZN धातु के साथ ही कराया जा रहा, तो आप अगला देख लीजिए। HNO3 प्लस Na भी धातु है, तो ये हो जाएगा NaNO3, ये लवण हो जाएगा। मुक्त क्या होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। आप अगला देख लेंगे। H2SO4 प्लस Mg गिव्स MgSO4 प्लस H2, ये भी है। अब आप अगला देख लेंगे। HCl प्लस Ca गिव्स CaCl2 प्लस H2, ये सब है। अम्ल की क्रिया किसके साथ? धातु के साथ। अम्ल की क्रिया धातु के साथ क्या होता है जब, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या होता है जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं, तो आप लिखेंगे अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह पहली रासायनिक अभिक्रिया है, पहला रासायनिक गुणधर्म है किसका? अम्ल का। अब ऐसे ही देख लेते हैं क्षारक का। क्षारक के साथ भी कराएंगे तब भी क्या बनेगा? लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। देखते हैं, धातु की क्रिया क्षारक के साथ कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या होगा? धातु प्लस क्षारक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। देख लेते हैं, NaOH क्या है? क्षारक है। प्लस ZN धातु है, तो ये हो जाएगा Na2 ZnO2।
सोडियम जिंकेट प्लस H2 ये हो जाएगा अम्ल की सॉरी धातु की क्रिया किसके साथ, क्षारक के साथ करा रहे हैं, तो लवण और हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त हो रही है। उम्मीद है आपको ये रासायनिक अभिक्रिया समझ आई होगी। पहले क्या है इसके रासायनिक गुणधर्म में अम्ल में, तो धातु के साथ इसकी क्रिया करा रहे हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब हम दूसरी इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। जब हम अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। देख लेते हैं Na2CO3 प्लस HCl गिब्स क्या बनेगा, लवण NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O। यहाँ हम देख लेते हैं धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट या फिर धातु बाइकार्बोनेट गिब्स सॉरी प्लस अम्ल गिब्स लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ये आप रासायनिक अभिक्रिया देख लिए हैं किसके, धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ कराने पर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो अगली रासायनिक अभिक्रिया हम देखते हैं ZnCO3 प्लस H2SO4 गिब्स ZnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O ये है। फिर हम अगली रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं Na HCO3 प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं है, रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर लेंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करना आपको बहुत बेहतर ढंग से सिखाया गया पहले चैप्टर में, उम्मीद है आप बहुत बेहतर ढंग से सीखे होंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो देख लेंगे जिससे आप रासायनिक समीकरण संतुलित स्वयं कर ले जाएँ, क्योंकि बार बार रासायनिक समीकरण संतुलित करना बताया जाएगा तो जो लोग देखे हैं जिनको आता है उनको बोरिंग लगेगा, इसलिए आप उस वीडियो को दोबारा देख लेंगे। अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करना समझ नहीं आ रहा, बहुत ही आसान ढंग से बताया गया है, एकदम आपको सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा और रासायनिक समीकरण संतुलित करना आपको एकदम इंजॉय के साथ करेंगे। अगली देखते हैं NaHCO3 प्लस HNO3 गिब्स NaNO3 प्लस CO2 प्लस H2O ये है। कौन सी अभिक्रिया, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराने पर क्या बनता है, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है। यह है रासायनिक अभिक्रिया थी। अब हम लोग देखते हैं अगली रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराने पर या क्षार के साथ कराने पर लवण तथा जल बनता है, लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
अम्ल की क्रिया क्षार के साथ कराने पर लवण तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं, अम्ल प्लस क्षारक गिब्स लवण प्लस जल। अब आपको इस रासायनिक अभिक्रिया से पूरा पूरा समझ आ गया होगा कि जब हम अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ करा रहे हैं तो लवण और जल बन रहा है। अब आप रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, अम्ल हो गया आपका HCl, क्षारक हो गया NaOH, गिब्स NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। अगला देखते हैं, H2SO4 प्लस NaOH गिब्स Na2SO4 प्लस H2O। ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। फिर एक और देखते हैं, NaNO3 प्लस KOH गिब्स HNO3 प्लस KOH गिब्स KNO3 प्लस H2O। ये सब रासायनिक अभिक्रियाएं आपको उम्मीद है बहुत बेहतर समझ आई होगी। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं इस वाले टॉपिक में, अम्ल की क्रिया धातु के साथ, यानी अम्ल के हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसके बाद हमने देख लिया अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ, तो इसमें देखते हैं धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ करा रहे हैं तो क्या बन रहा है? लवण बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो रही है उसके साथ साथ, और क्या बन रहा है? जल बन रहा है। क्या बन रहा? जल बन रहा है। तो उम्मीद है ये रासायनिक गुणधर्म आपको बहुत ही बेहतर समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें, जिससे इससे बेहतर एनर्जी के साथ आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।